पापा। पंकज कहाँ हो तुम? सामने एक कॉटेज है, बस वहीं मदद मांगने जा रहा हूँ। नीलांजन कॉटेज। अगर रात गुजारना चाहते हो तो आ जाओ। यहाँ कुछ तो है। पंकज जिस कॉटेज में जाने के लिए बोल रहा था वो मनहूस है। आज तक उस कॉटेज में जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा है। इसने भी आखिर वही गलती कर दी, छत पे जाने की गलती। तुम कब जागे और ये छत पे क्यों आ गए हो? कहीं तुम्हें माजी और पापा जी ने तो ऊपर नहीं भेजा? क्योंकि जो एक बार ऊपर आते हैं वो नीचे नहीं जाते। इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सपना देखा क्या मैं और पापा का? सपना नहीं था वो लोग नीचे हैं। मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है। तुम लोग कहते हो उनकी आत्मा भटक रही है, वो कहते हैं तुम्हारी आत्मा भटक रही है। पागल हो जाऊंगा। आत्मा हो तुम। आखिर ये बात तुम्हारे समझ में आ ही गई? माँ और पापा की बातों पे तुम्हें पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हें ये बात समझ में तो आ गई लेकिन देर से। मेरे पास मत आओ। तुम जिन आत्मा हो दूर हो मुझसे। इतना वक्त क्यों लग रहा है वहां पहुंचने में? क्या आपको पता है कि वो कॉटेज यहां से कितना दूर है? हाँ बेटा, क्यों गया पंकज उस कॉटेज के अंदर? आखिर ऐसा क्या है उस कॉटेज में पापा जी? उस कॉटेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ लिखा हुआ है कि वो कॉटेज मनहूस है। क्या वो बोर्ड पंकज को दिखाई नहीं दिया? क्या जरूरत थी कॉटेज के अंदर जाने की पंकज को? मनहूस ये सब आप क्या बोल रहे पापा जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस कॉटेज में एक बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की मौतें हुई थी और उसके बाद कई लोगों की जाने गई थी, इसीलिए उस कॉटेज को मनहूस घोषित कर दिया गया। दूर हो मुझसे, मेरे कहा ना दूर हो मुझसे, पास बताओ। तुम छत पर क्यों आए? तुरंत नीचे आओ।
मुझे यहां से निकालिए बेटा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें मालूम है मेरे बेटे बहू और पोते की मौत कैसे हुई थी? लोग समझते हैं कि मेरे बेटे बहू और पोते ने जहर खाकर खुदकुशी की थी, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि उन्हें प्रसाद के नाम पर जहर खिलाया गया था। बच्चों, मैं मंदिर से आ रहा हूं, ये प्रसाद। इस तरह धोखे से मेरे बेटे बहू और पोते को मारा गया। वो आज तक इसी कॉटेज में भटक रहे हैं। तो आप लोगों ने उनकी मुक्ति की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, उन्हें मुक्ति मैं दिलाऊंगा। बस एक बार मुझे यहां से निकल जाने दीजिए। उनकी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो जालिम इस दुनिया में जिंदा रहेगा। मैं यहां से कैसे जाऊं? आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने तुमसे कहा ना, वो सुबह होने से पहले दरवाजा और गेट नहीं खुलने देंगे। नहीं, मुझे जाना है। मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा मैं। पंकज की जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? उसकी जान को खतरा है, तभी तो हम वहां जा रहे हैं। आज तक वहां से कोई लौट के जिंदा वापस नहीं आया है। ऐसा नहीं हो सकता। हम वहां कब तक पहुंचेंगे? बस बेटा, थोड़ी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। बेटा, तुम अपने आप को संभालो। तुम उसको फोन लगाओ, शायद उसका फोन लग जाए अभी। पापा जी, फोन नहीं लग रहा। बेटा, दोबारा ट्राई करो। नहीं, यहां कैसे? तुम लोग तो मर चुके हो। मेरे टेरेस पे अपनी आंखों से देखा था। तुम लोग आत्मा हो, सिर्फ आत्मा। देखा, माँ और पापा ने सपने में इसे क्या क्या दिखा दिया। ये इतना डरा हुआ है कि हम लोगों को आत्मा समझ रहा है। नहीं, सपना नहीं था वो। आप लोग मुझे जाने नहीं दोगे, गेट नहीं खोलोगे। अरे, किसने रोका है? माँ जी और पापा जी तुम्हें यहां से जाने नहीं देना चाहते।
दुनिया तो यही समझती है ना कि मेरे माँ और पापा ने छत से कूद के अपनी जान दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी हत्या की गई थी, उन्हें छत से गिराया गया था। मुझे एक फोन करना, प्लीज एक फोन करने दीजिए। वो रहा फोन, लेकिन माँ और पापा तुम्हें कल सुबह ही जाने देंगे। अंदर चलो। पापा जी, पंकज की मोबाइल की रिंग बज रही है। हेलो 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 पंकज, हेलो हेलो पापा, मैं यहाँ पे कॉटेज में फंस गया हूँ। यहाँ पूरी एक फैमिली रहती है, पांच लोग हैं इस फैमिली में, सब एक दूसरे को आत्मा बता रहे हैं, और कौन जिंदा है और कौन मर गया मैं पता नहीं चल पा रहा, प्लीज पापा बचा लो। बेटा उस कॉटेज में कोई जिंदा नहीं है, सब आत्माएं हैं। किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जाने दो यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। अब तो सच्चाई सुननी है तुमने। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि हम पांचों की हत्या किसने और क्यों की। सच यही है, मेरे बेटे, बहू और मेरे पोते को जहर देकर मारा गया, और हम दोनों को छत से धक्का देकर मारा गया। जानना चाहते हो क्यों? मैं एक बहुत बड़े जमीन का मालिक था, शहर में वो जमीन बेहद कीमती थी, जिसका कैटेकर मैंने एक ऐसे इंसान को बनाया था जिस पर मैं बहुत भरोसा करता था, लेकिन एक दिन उसने चुपचाप मेरी वो जमीन बेच दी। वो मंदिर से होकर आया था, लेकिन वो तो एक बहाना था, प्रसाद के नाम पर जहर लेकर आया था, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैंने केस कर लिया तो जमीन तो हाथ से निकलेगी ही, उसे जेल भी जाना पड़ेगा। आखिर सच क्या है? मैं सच जानना चाहता हूं। क्या तुमने वो जमीन बेच दी और जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए? ये सब झूठ है, आपको मेरे खिलाफ किसी ने भड़काने की कोशिश की है। मैं आपको सब बताता हूं। बच्चों, मैं मंदिर से आ रहा हूं, ये प्रसाद खाओ। तुम लोग अंदर जाओ। यहां पर कितनी गर्मी है, चलो ना छत पे चल के बात करते हैं। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, और ये बात सच है कि तुम्हारी जमीन बेचकर मैंने करोड़ों बनाए हैं, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलवान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बलवान, बलवान
अब दुनिया ये समझेगी कि घरेलू झगड़े से तंग आकर बेटे बहू ने जहर खाके आत्महत्या कर ली, और उसी सदमे में आकर माँ बाप ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हारे बाप ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। आज उस बलवन को भी वही दिन देखना होगा जो उसने हमें दिखाया था। हमें मालूम है आज वो यहाँ आएगा, जरूर आएगा। तुम सब की मौत के बाद ही हमारी आत्माओं को सुकून मिलेगा। लो आ गया तुम्हारा बाप जिसका हमें इंतजार था। नहीं मिताली, अंदर बताना वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम्हें मैंने मना किया था ना आने के लिए, अब ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। पापा, आपने इनके परिवार को मारा, ये लोग उसी का बदला ले रहे हैं। कुछ हुआ है तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और आप लोग मेरा सुहाग क्यों जानना चाहते हैं? मैं तो जीते जी ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि किसी को भी किसी की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं होता। अगर हम किसी को किसी की जिंदगी दे नहीं सकते ना, तो किसी की जिंदगी ले भी नहीं सकते। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की थी, मैं स्वार्थ और लालच में अंधा हो गया था। आपके परिवार को मार डाला, मुझ जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, पर मेरे बेटे और बहू को इसकी सजा मत दो। मैं बुरा इंसान हूं, पर आप सब तो अच्छे इंसान थे ना। आपको बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। पापा, पापा!
आप सबका मतलब पूरा हुआ, लेकिन मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। मैं आपकी मुक्ति के लिए वो सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। आप सबको मुक्ति मैं दिलाऊंगा।